हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दोस्तों एक फेस टोनर का, जो कि गुड वाइब्स का है। आप देख सकते हैं जी, हाँ, यह गुड वाइब्स पोमेग्रेनेट ग्लो टोनर और इसका नेट वेट 200 ml है और 225 रुपये का आता है। 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ है दोस्तों। और इसका ना छोटा 120 ml का भी आता है, जो कि 175 रुपये का आता है। तो आप वो ट्राई कीजिए छोटा वाला पहले। और इसमें नो एल्कोहल, नो पैराबेन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि इसमें पैराबेन नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है इसमें, तो टीनेजर भी इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग ना बहुत अच्छी आती है, पॉलीथिन रैप पैकेजिंग आती है एकदम। और ये ना एकदम टाइट उसके साथ आता है ना, इसका कैप एकदम टाइट है, तो लूज़ होने का आप ट्रेवल फ्रेंडली भी है, क्योंकि टाइट ना एकदम टाइट बंद होता है क्लिक साउंड के साथ। तो अच्छा है ये, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं इसको। और मैं आपको ना, ये स्प्रे बॉटल में आता है, प्लास्टिक की स्प्रे बॉटल में आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस ना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, एकदम ना पोमेग्रेनेट जैसी ना अनार जैसी फ्रेग्रेंस आती है इसमें, फ्रेश फ्रेश एकदम। और मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ इसको जी। और ये ना आप आँख का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा लगता है, उतना नहीं, मतलब थोड़ा लगता है आँख में, ऐसा ज़्यादा नहीं लगता है, और देख सकते हैं। और ये ना जैसा कि इस पे लिखा हुआ है ग्लो टोनर, तो ये आप रेगुलर इसको यूज करेंगे ना, तो एक ग्लो आने लगता है आपके फेस पे। और ये ना ब्राइटन भी करता है स्किन आपकी धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो ना धीरे धीरे आपके स्किन पे दिखेगा कि थोड़ा ब्राइटन भी करता है फेस आपका। तो बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं, और पर्पल की साइड पे ही मिलेगा आपको दोस्तों ये। और गुड वाइब्स पे अच्छे 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 डिस्काउंट चलते रहते हैं, आप चेक करेंगे तो। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अब और सबसे अच्छी बात है, इसको ना किसी भी स्किन टाइप के लोग ट्राई कर सकते हैं जी, हाँ, सबको सूट करेगा दोस्तों ये। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और शेयर कीजिए मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली में। और मैं मिलती हूँ आपको अगले रिव्यू में, तब तक के लिए।